नमस्ते, निवृत्ति किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी बर्गर। बर्गर के लिए हमें चाहिए 4 आलू मीडियम साइज, सोक मूंग की दाल, द भीगी हुई मूंग की दाल, ब्रेड, पनीर और उबली हुई मटर। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे, फिर हींग डालेंगे, फिर जीरा, हल्दी और फिर हम मूंग की दाल डाल देंगे। ये मैंने रात को भिगो दी थी और फिर इसे मैंने सीव करके मतलब छान कर डाल दी थी। अब हम मटर डालेंगे, पनीर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इसमें पानी डालेंगे। फिर हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसके अंदर धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला और मिर्च डाल के मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। कि दाल की पिट्ठी तैयार हो गई है। अब हम एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। बाउल में हम 4 आलू लेंगे, उसे बॉयल आलू है, उसे मैश करके और नमक और ये मैंने ब्रेड लिए। ब्रेड को पहले मैंने पानी में भिगोकर और उसे निचोड़ कर मैंने आलू में डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने हम तेल को गरम कर लेंगे, तेल तेज गरम होना चाहिए। एक बाउल में पानी ले लेंगे, पानी की हेल्प से हम इसको एक कटोरी की शेप देंगे। उसमें हम पनीर वाला स्टफिंग, जो मूंग की दाल और पनीर और मटर की स्टफिंग बनाई थी, वो डालकर हम इसे पैक कर लेंगे और फ्लैट कर देंगे और ऐसे हम तैयार करके प्लेट में रख लेंगे। इतने हमारा ऑयल गरम हो जाएगा। अब हम डीप फ्राई करेंगे टिक्की को। पहले हमें तेज आंच में करना है, फिर हम इसे मीडियम कर लेंगे जिससे कि हमारी टिक्की करारी हो जाए और अंदर से भी पक जाए। देखिए हमारी टिक्की तैयार हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। हमने एक पैन में बर्गर कट करके उसे भी सेकने के लिए रख दिया है। हमारी टिक्की भी तैयार हो रही है और हमारा बर्गर भी तैयार हो रहा है। हम टिक्की को निकाल लेंगे। हमारा बर्गर भी तैयार हो गया है, हमने इसे निकाल लिया। अब हम इसे असेंबल करेंगे। हम एक प्लेट पर बर्गर का डाउन साइड पार्ट रखेंगे, उस पर मैंने मेयोनी लगाई है, फिर मैं प्याज, टिक्की, फिर अगेन प्याज और बर्गर का ऊपर का कवर लगा के और टूथपिक लगा के हमारा बर्गर तैयार हो गया है। आप इसे खाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भूलना नहीं। थैंक यू।